ब्रॉट टू यू बाय बिज एनालिस्ट बाय खाता बुक। बाबा जी आपके लिए नहीं कह रहा मैं, आप सिर्फ पी सकते हो, केवल बाबा जी योगी नहीं पी सकते। बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 12 बजे सो के उठते हैं, लेकिन उनकी शक्ल देख लो आप, उनकी शक्ल पर किसानों ने और नौजवानों ने जो वोट डाला है उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। आपको याद होगा अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के मजे लेते हुए कहा था कि जनाब 12 बजे तक सोते रहते हैं फिर मित्र मंडली के साथ बैठते हैं, ऐसे में क्या ही विकास कर लेंगे। लेकिन टीपू भैया की तरफ से जवाब आ ही गया। टीपू भैया यानी अखिलेश यादव, सुनिए जरा। हमारे पत्रकार साथी लखनऊ के हैं, बताओ हमारा घर उनका घर एक दीवार है कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। बाबा जी आपके लिए नहीं कह रहा मैं, आप सिर्फ पी सकते हो, केवल बाबा जी योगी नहीं पी सकते। आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है। सोचिए आप, बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 12 बजे सो के उठते हैं, लेकिन उनकी शक्ल देख लो आप, उनकी शक्ल पर किसानों ने और नौजवानों ने जो वोट डाला है उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। इसलिए भाषा बदल गई है, इसलिए भाषा बदली है कि किसान और नौजवान इस बार इनके खिलाफ है। किसान को खुशहाली रोक ली इन्होंने, इसलिए किसान इनके खिलाफ है। हम तो किसान भाइयों आपसे कह रहे हैं, आप अपनी मिट्टी की कसम खाना, नहीं तो ये जमीन भी बेच देंगे। अगर जमीन बचाना है तो आपके अपनी मिट्टी की कसम खानी पड़ेगी। वीडियो के साथ बताया गया कि ये उन्नाव में अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा जी कहते हैं कि हम 12 बजे सोकर उठते हैं, उनकी शक्ल देखो आप, किसानों नौजवानों ने जो वोट डाले हैं इससे उनकी शक्ल पर 12 बज गया है। हालांकि अखिलेश के इस बयान पर खूब ठहाके लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा रहा है, इस पर चुटकियां ली जा रही हैं। तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। चुनाव के टाइम पार्टी नेता कार्यकर्ता सब जी जान से मेहनत कर रहे होते हैं, ऐसे में कभी कभी बड़े नेता अपने लोगों के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ हंसी मजाक भी कर लेते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट को ही देख लीजिए जरा। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार छात्र पिटे भाजपा के सरकार में। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अखिलेश लिखते हैं कि छोटे सरकार कह गए बड़ी बात। वहीं जनता ने इस वीडियो को पर खूब ठहाके लगाए, लेकिन कहीं कहीं अखिलेश के भी लिए मजे। लिखा गया कि व्यंगात्मक तरीके से कि भैया समझदार दूरदर्शी व्यक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के हैंडल से किडिश ट्वीट मत कीजिए, हैंडल के संचालक महोदय। हालांकि अखिलेश का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। खैर, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराजगंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जब नेताजी हाथ जोड़कर अपना लेखा जोखा गिना रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई कि रहने दो, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। बस फिर क्या, एक आवाज चाहिए थी माहौल को गर्म करने के लिए और वो मिल गई। बैक टू बैक लोगों ने कमियां गिना दी, नेताजी का मुंह बन गया। हमारे गांव में नहीं हुआ है, हमारे गांव का काम हुआ है, हमारे गांव में भले उधर जाए बाकी का यहां कुछ नहीं हुआ है, इस गांव के लिए कुछ नहीं हुआ है। गांव में घूम कर देख लीजिए पता चल जाए, गांव राजस्व का कुछ भी काम नगर काम हुआ कुछ नहीं हुआ है। एक बार गांव की हालत चल कर देख लीजिए पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। 5 साल में नहीं कोई आया, आ जाए दिखाने दे, हम कर दिए हम कर दिए। आप छबिये का ग्राउंड लगा दीजिए हमारे गांव, एक बार गांव में घूम कर देख लीजिए उसके बाद बात करिए। पैसा आ गया, पैसा खाने के बाद भी काम नहीं हुआ, कोई बात हुई इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर कहा गया कि 5 साल विधायक रहने के बाद जब एक गांव में पहली बार नेताजी पहुंचे तब ग्रामीणों ने घेर लिया, जनता जाग गई है, बेवकूफ बना के वोट नहीं ले सकते। वीडियो महाराजगंज के सिसवा विधानसभा का है, हालांकि पता नहीं ऐसा इन्होंने किया क्या है जो आए दिन वोटिंग से पहले जो है प्रचार प्रसार के दौरान जनता ऐसे सवालों के घेरे में नेताजी को खड़ा कर देते हैं और नेताजी बोल नहीं पाते।
तो भैया ये था आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुन लीजिए कि अब यूपी से जो तमाम अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बाकी तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।